सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं वीकेंड चर्चा। देश में अभी तक विकास, करप्शन, ब्लैक मनी, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, मेडिकल, कई मुद्दे उठाए गए, पर आज देश के पटल पर जो मुद्दा गरमाया हुआ है वो भी कोई छोटा मुद्दा नहीं है। यूं तो देश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे उठाया जा सकता है, अनेक विकास कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन देश में सांप्रदायिकता की आग भड़काई जा रही है, जिस पर राजनीतिक रोटियां भी सिकना शुरू हो गई हैं। देश में उठी ये आग देश के कोने कोने से होते हुए अब देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई है, जहां हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकल रही थी। अचानक सड़क पर सैकड़ों लोगों ने पथराव किया, आगजनी की, और देखते ही देखते ये एक विवाद में बदल गई। सड़क पर खड़ी भीड़ ने मोहल्लों से निकल रही शोभा यात्रा पर पथराव किया। ये पहली बार नहीं है, रामनवमी पर भी देश के कोने कोने में ऐसे रामनवमी की शोभा यात्रा तो देखने को मिली, लेकिन कुछ हिस्सों में पथराव भी देखने को मिला। दिल्ली हिंसा में कुल 9 लोग घायल हुए, जिसमें 8 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं और एक आम नागरिक बताया जा रहा है। इन सभी का इलाज बाबू जगजीवन राम मेमोरियल अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं और एक पुलिसकर्मी को तो गोली तक लगी है। नई दिल्ली का ये मामला बताया जा रहा है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शनिवार को हनुमान जयंती पर निकाले गए इस जुलूस पर पथराव के बाद भड़की हिंसा मामले में 14 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं गोली चलाने वाले मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। ऐसे मामले में शासन प्रशासन का एक्शन तो जारी है, लेकिन सवाल अभी भी कई है कि आखिर गलती किसकी है, इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है, शासन या प्रशासन? क्या आरोप प्रत्यारोप करना काफी है या बदलाव जरूरी है? आखिर कौन फैला रहा है ये नफरत की जो आग है, उसको भड़का कौन रहा है? कई सवाल है। और आखिर देश में इस वक्त क्यों हो रहा है पथराव, खास तौर से जब कोई त्योहार होता है उस वक्त ही ऐसे सांप्रदायिक मुद्दे क्यों उठते हैं? दिल्ली हिंसा पर संजय राउत का भी बयान सामने आया है। केंद्र सरकार पर उन्होंने हमला बोला है और राजनीतिक फायदे के लिए देश का माहौल खराब किया जा रहा है, इस तरीके का बयान सामने आया है। जहां अभी स्पीकर का विवाद चल रहा था, अब रामनवमी के बाद हनुमान जयंती पर भी इस तरीके के चीजें देखने को मिल रही हैं। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से अश्विनी शाही जी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता इमरान लतीफ जी और वरिष्ठ पत्रकार नावे शिको जी जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल अश्विनी शाही जी आप ही से कि आखिर ये देश में इस वक्त क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी योगी मोदी का विरोध हो रहा है और राम भक्तों हनुमान भक्तों के साथ की जाने वाली हिंसा का पूरा देश जो है इस समय गवाह बन रहा है। ये एक हिंसात्मक राजनीति की जा रही है, ये सोची समझी साजिश की जा रही है जी। अब हिंदुस्तान में राम भक्तों हनुमान भक्तों या कोई भी शोभा यात्रा निकालने के लिए क्या वीजा और परमिट की आवश्यकता पड़ेगी कि हम किधर से ले जाएंगे किधर से नहीं ले जाएंगे? पुलिस की जो व्यवस्था थी, पुलिस की व्यवस्था में हमने इन लोगों ने शोभा यात्रा निकालने के पहले परमिशन लिया था जी। लेकिन उस परमिशन के बाद आप देखिए, चाहे पश्चिम बंगाल हो, खरगोन की घटना हो या करौली की घटना हो या कल दिल्ली की घटना हो, इन घटनाओं में कितनी सिमिलरिटी है। इस देश में जो शांति दूत हैं, कुछ लोगों की वजह से पूरी कौम बदनाम हो रही है और इस कुछ लोगों के पीछे खड़े होने वाले वो कौन लोग हैं जी? दिल्ली की घटना के पीछे खड़े होने वाले आम आदमी पार्टी की सरकार है जी। कल की घटना में देखा गया जो सीए और एनआरसी के दौरान जो रोहिंग्या लोग ट्रकों में भर के लाए जा रहे थे और जहांगीरपुरी पर इन लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया था उसमें रोहिंग्या पाए गए थे, उन्हीं रोहिंग्या को बिजली का कनेक्शन, पानी सब फ्री दिया जा रहा है इसके द्वारा, केजरीवाल सरकार के द्वारा। उसके बाद एक उनको वोटर आईडी बनवा कर दिया जा रहा है जिससे वो उनको वोट दें। ये तुष्टीकरण की राजनीति में प्रश्रय देने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है। तो दिल्ली में जो पत्थरबाजी हुई है उसका सीधा श्रेय आप आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं?
देना क्या है इसमें, ये तो परिलक्षित हो गया है। जो असलम से लेकर अंसार और आरिफ जो भी लोग गिरफ्तार हुए हैं वहाँ जी, ये इसमें देखिए कितने रोहिंग्या हैं, इन रोहिंग्याओं को क्यों बसा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी उसको पानी फ्री दे रहे हैं। जब जड़ को उनको जो है पानी दिया जाएगा, पल्लवित और पुष्पित किया जाएगा, तो उसका फल कैसा निकलेगा? वो रोहिंग्या मुसलमान है। सीएनआरसी में किस तरीके से दंगे फैलाने की कोशिश की इन लोगों ने, 2020 का दंगा कोई भूला नहीं है जी। और आज सिर्फ उन्हीं रोहिंग्याओं के द्वारा ये कांड किया गया है। सिखा जी, जी ये ठीक है, बीजेपी का पक्ष भी सुन लिया है, आम आदमी पार्टी का पक्ष भी सुन लेते हैं। इमरान जी, जिस तरह से अब आम आदमी पार्टी के ऊपर सीधे तौर पे बीजेपी आरोप लगा रही है, जो पथराव हुआ है या फिर सीएनआरसी या फिर किसान आंदोलन, जो भी चीज अभी तक रही हो, उसका श्रेय, जो जितना भी विवाद उत्पन्न हुआ उसका श्रेय आम आदमी पार्टी पे दिया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह की घटनाएं चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे शोभा यात्रा पर कहीं से पत्थरबाजी करी जाए जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी इमरान जी, चाहे शोभा यात्राओं के ऊपर कहीं से पत्थरबाजी की जाने की घटना हो, और चाहे किसी मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लगाए जाने की बात हो, मैं इसमें ना तो हिंदू धर्म को दोषी मानता हूँ, ना तो इस्लाम धर्म को दोषी मानता हूँ, क्योंकि सभी धर्मों में, सभी समाज में अराजकत्व रहते हैं, और ऐसे लोगों से निपटने की जिम्मेदारी, ऐसे लोगों को रोकने की जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होती है। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से हम जानते हैं कि वहां पर कानून व्यवस्था का मामला पूरी तरीके से गृह मंत्रालय के अधीन है, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार के अधीन आता है वहां का कानून व्यवस्था का पूरा मामला, दिल्ली पुलिस उनके अंदर आती है, दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल चूंकि अपने लठैत के रूप में करते हैं, इस वजह से इस तरह की घटनाओं पर रोक नहीं लगा पा रहे, क्योंकि ऐसी घटनाएं ही खाद और बीज का काम करती हैं भारतीय जनता पार्टी की नफरत वाली राजनीति के लिए। भारतीय जनता पार्टी चूंकि काम नहीं कर सकती है, आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर एमसीडी इलेक्शन होने थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के खौफ के नाते, अरविंद केजरीवाल से डर कर नरेंद्र मोदी जी भागे भागे फिर रहे हैं, एमपीडी का चुनाव कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि पिछले 6 वर्षों में जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अभूतपूर्व काम हुए हैं उससे नरेंद्र मोदी जी घबराए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। जहां उनको एमपीडी का चुनाव करवाना चाहिए वहां नरेंद्र मोदी जी दंगा करवाना चाहते हैं, वो दिल्ली में राजनीति करना चाहते हैं, एमपीडी इलेक्शन से में जाएंगे, उनको पता है अगर इस समय एमपीडी इलेक्शन में जाते हैं तो बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ेगा, जिस तरीके से 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल इमरान जी, आपके पास लौट रहे हैं जी, अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो कितना सही है ये अश्विनी जी? क्या इसमें कोई एक्शन लेना चाहिए या फिर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप? शिखा जी, एक्शन हो रहा है, और जो 14-15 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके ऊपर बहुत खतरनाक एक्शन होगा, लेकिन एक्शन होते ही जब 2020 के दंगों के आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता शाहिद खान पर एक्शन होता है, तो उनके विधायक अमानुल्लाह खान आते हैं बचाव में जी। शाहिद खान के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने एक्शन, अमानुल्लाह खान का बयान आया, अमानुल्लाह खान का ट्वीट है, प्रभु पब्लिक डोमेन में है, आप नहीं लिया, थोड़ा धैर्य से सुन लीजिए, दो लोग दंगा, अरे धैर्य से सुन लीजिए, दोनों लोग बोल रहे हैं, अमानुल्लाह खान का बयान आता है, संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल जी, अमानुल्लाह खान पर क्या कार्रवाई कर दिया उन्होंने जो उनका बचाव में खड़े हो गए? अगर बचाव में नहीं खड़े होते तो इनकी हिम्मत नहीं होती कि फिर से दंगे की बात करें, उनके बचाव में खड़े हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के लठैत का काम कर रही है, एकदम सच कहा इन्होंने। तभी बग्गा जी के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करते हैं पंजाब में, और पंजाब की पुलिस यहाँ भेज देते हैं कि लठैत जो कि पंजाब से उसका मामला कुछ था ही नहीं, और दूसरे दिन जब पूरे देश में किरकिरी होती है तो उस मुकदमे को वापस ले लिया जाता है। लठैत का काम कौन करा रहा है? अरविंद केजरीवाल जी करा रहे हैं, आम आदमी पार्टी करा रही है कि भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी आज एक बेहतर बेहतर व्यवस्था में देश को लेकर जा रही है, और ये अराजक अरविंद केजरीवाल जो सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि हाँ मैं एनआरकिस्ट हूँ, ये अराजकता फैला रहे हैं देश में और इस देश को विघटन की तरफ ले जा रहे हैं। पंजाब में गए हैं, पंजाब में खालिस्तानी समर्थक लोगों का जो रेफरेंडम का समर्थन करने वाले लोग थे उनके यहाँ थे ये लोग, अब वो लोगों ने पैसा लगाया है
तो अलगाववाद की क्या क्या राजनीति करते हैं, इसमें किसी को कुछ कहना नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी के डीएनए में अलगाववाद है, डीएनए में उनके जो है जो खुद कहते हैं कि मैं जो है अराजक हूँ, तो उनके डीएनए में अराजकता है। आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाते नावेद शिको जी, सबसे बड़ा अहम सवाल कि आखिर पथराव कर कौन रहा है और करवा कौन रहा है, क्योंकि अगर बात करी जाए धर्म विशेष की तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो तस्वीरें जिस तरह से हनुमान जयंती के दिन एक तस्वीरें और सामने आई, जहां एक तरफ पथराव किया गया, दूसरी तरफ शरबत और चिलचिलाती धूप में कोल्ड ड्रिंक बांटने का काम भी किया गया है मुस्लिम भाइयों द्वारा, तो ये तस्वीरें भी सामने आई, तो किसी पूरे धर्म को कहना या फिर धर्म के लोगों को कहना ये गलत है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पत्थरबाजी करी किसने और करवा कौन रहा है? जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पिछले करीब एक महीने से डेढ़ महीने से देश में तनाव की स्थिति बनी हुई है और टकराव की इस तरह की खबरें कई राज्यों से आ रही हैं। खासतौर से जब से विधानसभा, कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और भारतीय जनता पार्टी उसमें जीती, बड़ी सफलता थी भाजपा की, इसके बाद धीरे धीरे माहौल बिगड़ता नजर आ रहा है। देश में सांप्रदायिक दंगों का इतिहास जरूर रहा है, लेकिन इस बात की तारीफ करनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के दौरान दंगियों पे काबू हो जाता है। और आज की तारीख में भी हम उत्तर प्रदेश की सरकार की, योगी सरकार की तारीफ करेंगे कि योगी सरकार ने दंगों के अभिशाप से यूपी को बचाया है और एक रिकॉर्ड है, ये दूसरा कार्यकाल है। कि आज की तारीख में जब कई राज्यों से सांप्रदायिक टकराव और शांति भंग होने की खबरें आ रही हैं, तो यूपी में शांति है, अमन है और तमाम हिंदू मुसलमान अपने अपने त्योहार मना रहे हैं। शिवरात्रि, रमजान, हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्राएं भी निकल रही हैं, किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। अभी एक मुसलमानों के जुलूसों को अनुमति कल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी दी है और कहीं भी कोई भी इस तरह की घटना नहीं आ रही है, बल्कि जो तस्वीरें आ रही हैं वो हमारे देश को गौरवान्वित करने वाली है कि हिंदू मुसलमान प्यार से अपना त्योहार मना रहे हैं। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि कई राज्यों से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत दुखदायक है और देश को बदहाली की तरफ ले जाने वाले संकेत दे रही है। आज हमारा देश आर्थिक ललचाइता की तरफ बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, आर्थिक नीति हम कहीं ना कहीं हम कमजोर है, कोरोना का भी कहर रहा पिछले दो साल तक, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, कुछ सरकारों का नाकारापन है जिसकी वजह से देश के कई राज्यों में महंगाई की वजह से पूरी जनता, उत्तर प्रदेश की भी जनता, पूरे देश की जनता महंगाई की मार खा रही है, बेरोजगारी भी बहुत है। इस समय देश को आगे बढ़ने के लिए और कोरोना का जो वक्त गुजर गया है उसे उबरने के लिए हमें डेवलपमेंट्स की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, हमें इस बात की कोशिश करनी पड़ेगी कि इस देश में निवेश बढ़े, उद्योग धंधे पनपे, सरकारी नौकरियां लोगों को मिले। सरकारी नौकरियां अगर नहीं मिल पा रही है तो प्राइवेट सेक्टर में कम से कम रोजगार लोगों को मिले। ऐसे में अगर एक इतने सारे राज्यों में छुटपुट घटना ही सही, लेकिन जो नफरत की खबरें सामने आ रही हैं, ये चाहे इसमें दोषी कोई भी समुदाय हो, किसी भी तरह के लोग हों, मैं किसी एक धर्म का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि इस देश की जनता ने उसके ऊपर विश्वास किया है। अधिकांश राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं और केंद्र में एक ताकतवर सरकार है, एक मजबूत गृह मंत्री है जिनके ऊपर, जिस पार्टी में एक बड़ी बड़ी पोजीशन पर है गृह मंत्री जी, उसके बाद भी अगर इतने सारे राज्यों में इतने सारी खबरें आ रही हैं तो ये फेलियर भारतीय जनता पार्टी का है, वही भारतीय जनता पार्टी जिसके ऊपर विश्वास हमने, आपने और सब लोगों ने, देश और प्रदेश की जनता ने किया था कि भाजपा की सरकार आने के बाद दंगे नहीं होते। और मैं तारीफ करता हूं, मैं उत्तर प्रदेश की तारीफ कर भी रहा हूं, उत्तर प्रदेश में दंगों को काबू किया योगी आदित्यनाथ सरकार ने, लेकिन अन्य राज्यों में चाहे वो गैर भाजपा की सरकारें हों चाहे भाजपा की सरकारें हों, अगर गैर भाजपा की सरकारें भी हैं तो उसमें भी उसका भी उन सरकारों के ऊपर दोष जरूर आएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र की सत्ता है, उसका काबू करना उसकी ड्यूटी है, उसका फर्ज है। और इसके पीछे किसकी साजिश है, ये हिंदू है या मुसलमान है, या हिंदू या मुसलमान नहीं कहा जा सकता, दंगाई दंगाई होता है, अराजकता होता है, अपराधी अपराधी होता है, बलात्कारी बलात्कारी होता है, वो किसी ना किसी धर्म का होगा। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से घटनाएं सामने एक साथ आने लगी है तो लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी साजिश है और
जो भी साजिश है, इस देश को नुकसान पहुंचाने की साजिश है, इस देश के हिंदुओं और मुसलमानों को, इस देश के सारे समाज को नुकसान पहुंचाने की साजिश है और सुनियोजित ढंग से ये सब हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को अपना विवेक दिखाना चाहिए, उस विश्वास को पूरा करना चाहिए जो इस देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने, अन्य राज्यों की जनता ने उसके ऊपर विश्वास किया है। एक मजबूत गृह मंत्री है, एक मजबूत प्रधानमंत्री है, राज्यों में मेजोरिटी की सरकार है, केंद्र में मेजोरिटी की सरकार है, उसके पीछे अगर कोई भी साजिश कर रहा है, आतंकवादी कर रहे हैं, अराजक तत्व कर रहे हैं, भूत कर रहे हैं, जिन्न कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, सरकार की ड्यूटी होती है आप पर्दाफाश करिए और ये दंगे रुकना चाहिए। अगर इस छुटपुट घटनाओं की भी खबरें आती रही तो इस बात पे कोई देर नहीं कि देश में बड़ी हिंसा की आग में देश बर्बादी की तरफ बढ़ेगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम सब नागरिक, मीडिया शांति बनाए और किसी भी तरह से इस तरह के दंगों को आगे नहीं आने दिए। और सबसे बड़ी ड्यूटी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की है। शांति और सौहार्द का संदेश जाना भी जनता के बीच काफी जरूरी है। अश्विनी जी, जिस तरह से बीजेपी एक सबसे बड़ी पार्टी है, देश में सबसे ज्यादा जगह उसी का शासन भी चल रहा है, कई राज्यों में सरकार है, और इसके बावजूद भी अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो क्या सिर्फ बीजेपी की सरकार होना काफी नहीं है? क्या एक मजबूत नेतृत्व जैसा कि यूपी में देखने को मिल रहा है उसकी आवश्यकता है बाकी राज्यों में भी? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से दिल्ली पुलिस केंद्र के अंदर आती है, ठीक है, केंद्र के अंतर्गत काम करती है, और वहीं बात करें एमपी, वहां पे भी पथराव हुआ, रामनवमी के दिन पथराव हुआ, उसके बाद भी कोई सुरक्षा नहीं बरती गई, अब दिल्ली में भी ये तस्वीर देखने को मिली है, कितना जरूरी है मजबूत नेतृत्व? शिखा जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सरकार जहां भी है नेतृत्व मजबूत है। गुजरात में गोधरा के बाद कोई दंगा नहीं हुआ था, लेकिन देखिए इस बार दंगाइयों ने कर दिया। मैं नावेद भाई की इस बात से सहमत हूँ कि दंगाई की कोई जात नहीं होती है, दंगाई दंगाई होता है, बलात्कारी बलात्कारी होता है जी। लेकिन एक क्रोनोलॉजी समझने की बात है कि अगर हम शोभा यात्रा लेकर जा रहे हैं तो शोभा यात्रा जिधर से भी जाती है उधर से छतों से कैसे बारिश हो जाती है, वो पत्थर कहाँ से आ जाते हैं, वो लोग कौन है? कल दिल्ली की जो घटना हुई, 60-70 लोग लेकर शोभा यात्रा जा रहे हैं और उनके पीछे 1000 लोग आ जा रहे हैं और छतों से पत्थर मार रहे हैं। खारगोन की भी घटना ऐसी ही हुई, तो ये घटनाएं लगभग एक सिमिलर हैं। इसका मतलब एक कहीं ना कहीं बड़ी साजिश हो रही है देश को तोड़ने के लिए, देश की अखंडता को तोड़ने के लिए ये साजिश है। इसका पर्दाफाश तो एजेंसियां करेंगी ही करेंगी, लेकिन इसमें देखिए जो आज के दिन में जो विरोधी दल हैं, आज कोई भी व्यक्ति, एक कभी भी किसी का ये नहीं आया बयान कि खारगोन में जो घटना हुई उसे जाकर कोई मिले, कोई विरोधी दल का नेता, वो शिवम एक लड़का है जो बेचारा मौत, जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, कोई विरोधी दल का नेता उससे मिलने नहीं गया। हाँ, अमानतुल्ला खां की बात जो मैंने की, इस टाइप के लोग आते हैं और दंगाई जो ताहिर है उसकी जो है मजम्मत करने के बजाय उसकी जो है तारीफ में कैफुल बांधते हैं, उसके बचाव में लोग उतर जाते हैं। तो ये एक सह का खेल चलता है कि सह दिया जा रहा है राजनीतिक दलों के द्वारा, हम कुछ भी करते रहे। दूसरे तरफ मैं आता हूं उत्तर प्रदेश में, देखिए नवीन भाई ने योगी सरकार की तारीफ की, इसमें एक पक्ष और मैं देखता हूं। योगी सरकार ने दंगा रोकने के लिए जो जो कदम उठाए, चाहे वो पोस्टर लगवाए, चाहे जो बसें जलाई गई उसके घर से वसूली की गई, मैं इसमें मानता हूं कि हमारी न्याय व्यवस्था की भी खामी है। अगर इन लोगों से वसूली की जा रही है सरकार के द्वारा, तो वसूली इसका मतलब नहीं है कि उसका एक डर फैलाया जाता है कि दंगे करोगे तो वसूली होगी, घर गिरा दिया जाएगा। लेकिन न्याय व्यवस्था से भी ऐसा आता है कि सरकार उनके पैसे वापस करे, उनका घर बनवाए, ये व्यवस्था आती है। तो ये भी एक सह देने वाली बात होती है जो कि आने वाले भविष्य के लिए ठीक नहीं है। जी इमरान जी, जिस तरह से अभी दिल्ली में कल ये जो पथराव हुआ है, इसमें कई लोग घायल हुए हैं, शासन और प्रशासन दोनों की बात करिए तो कहीं ना कहीं आपने प्रशासन पर पूरा का पूरा जो जिम्मा है वो डाल दिया और प्रशासन की गलती बता दी, लेकिन क्या सिर्फ आरोप लगाना, क्या अपना पक्ष बचा लेना इतना ही काफी है या फिर कुछ एक्शन भी लिया जाएगा दिल्ली सरकार के द्वारा? देखिए, जहां तक कार्रवाई करने की बात है, जहां तक दोषियों को चिन्हित करने की बात है, उनके मुकदमे लिखने की बात है, उनको जेल में डालने की बात है, उनको सजा देने की बात है, इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार का कहीं से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता है संवैधानिक तौर पे। क्योंकि जहां मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था का मामला अमित शाह जी के गृह मंत्रालय के अधीन आता है, क्योंकि पुलिस उन्हीं की है, उन्हीं के अधीन आती है। कुल मिलाकर मैं बार बार ये बात स्पष्ट है
कि दिल्ली के अंदर जो माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, ये आपने 2020 में भी देखा था, तो जब वहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले थे तब किस तरीके से दिल्ली के माहौल को गरमाने की कोशिश की गई थी, दिल्ली के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, और उसके बाद दिल्ली चुनाव के परिणाम आने के बाद जिस तरीके से दिल्ली के लोगों को परेशान किया कि दिल्ली के लोगों को दंगों की आग में झोंका गया, वो किसी की छिपा नहीं है। आज एक बार फिर से क्योंकि दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो परिस्थितियां कैसे ठीक हो सकती है? हिम्मत नहीं हो पा रही है इमरान जी, परिस्थितियां कैसे ठीक हो सकती है? सबसे अहम सवाल देखिए, जिनके हाथ में कानून व्यवस्था का मामला है, अगर वही कानून व्यवस्था बिगाड़ने पर तुले रहेंगे तो ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये बहुत बड़ा जो है एक तरीके से ये चिंता का विषय है पूरे देश के लिए। आज नफरत की राजनीति से फायदा किसको होता है, बांटने की राजनीति से फायदा किसको होता है, धर्म की राजनीति कौन कर रहा है, उकसाववाद की राजनीति कौन कर रहा है, संप्रदायवाद की राजनीति कौन कर रहा है, बांटने की राजनीति कौन कर रहा है, लड़ाने की राजनीति कौन कर रहा है, ये देखना पड़ेगा। आज मैं एक बार कुछ और जगहों पे मैं आपको इंगित करना चाहूंगा, तमाम वीडियोज आ रही है कल की शोभा यात्रा की, कोई भी नहीं चाहेगा, चाहे वो कोई हिंदू परिवार हो चाहे मुस्लिम परिवार हो, कोई भी ये नहीं चाहेगा, इस पैनल में जितने लोग बैठे हुए हैं इसमें से कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे घर का कोई भी बच्चा दंगाई बने, कोई भी दंगा करने के लिए जाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। हजार लोग कहां से आ गए भाई इमरान जी, ये बात समझनी पड़ेगी। ये जो राजनीतिक नफा कमाने के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए जो इस तरह के माहौल बनाए जाते हैं, इसको ठीक करना पड़ेगा जी। मैं कहूंगा दोनों तरफ कार्रवाई करने की जरूरत है, कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती। मैं कहता हूँ उसी कल की जो शोभा यात्रा है, कल की शोभा यात्रा के तमाम सारे वीडियो निकल कर आ रहे हैं दिल्ली से, आप उसको भी उठाकर देख लीजिए कि देसी तमंचे लेकर लोग शोभा यात्रा में क्या कर रहे थे, तलवार लहराकर लोग शोभा यात्रा में क्या कर रहे थे, तलवार कौन लहरा रहा था, तलवार जो है दंगाई लहरा रहे थे, जो पीछे से हमला किए थे, तलवार लेकर वो लोग आए थे, पिस्तौल से फायर किया, पिस्तौल बरामद हुई, वो गिरफ्तार हो गया है पिस्तौल चलाने वाला, ये दिख नहीं रहा आप लोगों को? सामाजिक जिम्मेदारी भी कुछ कोई चीज होती है भाई, आम आदमी पार्टी की सरकार है, चलिए शासक का आप रोना रो सकते हैं कि पुलिस उनके पास है, लेकिन कम से कम एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है, उसका निर्वहन क्यों नहीं करते हैं आप लोग? केजरीवाल सरकार उसका निर्वहन कब करेगी? कब तक आप लोग रोहिंग्याओं को पल्लवित पुष्पित करेंगे? आप उनका लिस्ट दीजिए केंद्र सरकार को, शासन प्रशासन को, किसको निकाला जाए यहाँ से, उनको बसाने का काम करते हैं आप लोग। मैं बात कर रहा था तो जब तक आप बात कर रहे थे मैं बोल नहीं रहा था, आप सुनने की हिम्मत रखिए पहले। आप लोग गलत बोलेंगे तो नहीं सुन पाएंगे भाई, सुन पाते हैं आप? एक एक करके बोलिए अश्विनी जी, अश्विनी जी आपको समय दिया जाएगा, एक एक करके बोलिए। इमरान जी अपनी बात पूरी करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि दोनों तरफ कार्रवाइयां होनी चाहिए, ईमानदारी से जांच होनी चाहिए कि अगर हिंसा भड़की तो क्यों भड़की, शोभा यात्रा में लोग तमंचे लेकर क्यों गए थे, तलवारें लेकर क्यों गए थे, अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा था, एक धर्म विशेष के खिलाफ नारेबाजी कौन लोग कर रहे थे, उनको भी चिन्हित किए जाने की जरूरत है। दोनों तरफ कार्रवाई होगी तब इस तरह देखिए अनिका जी कुछ भी बोले चले जा रहे हैं, वहां से जो निकल के आ रहा है इनको अस्मिता नहीं पता है, उसके बाद ये बोले चले जा रहे हैं और बीच में बोलने की बात करते हैं। इमरान जी को अस्मिता नहीं पता है, पुलिस वालों को गाली नहीं हुआ, पुलिस के लेखा लाल को मारा गया, गोली मारी गई है, पुलिस वाले को गोली लगी है, 2020 के दंगे में रतन लाल मारे गए थे, एक अरुण कुमार नाम का एएसआई घायल है, और ये बात करते हैं कि शोभा यात्रा के लोग रिवॉल्वर लेके आए थे, कट्टा लेकर आए थे, झूठ बोलते हैं आम आदमी पार्टी वाले अराजक लोग, देशद्रोही है ये लोग, पार्टी दंगे वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भारतीय देशद्रोही आम आदमी पार्टी, ये देश में अराजकता फैलाने के लिए पैदा हुई है। तो हस्त्र जो है आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में हुआ उससे भी पूरा हस्त्र होने वाला है, इन लोगों का देश को तोड़ने का काम करते हैं ये लोग, तो आप उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, अब मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी नावेश शिको जी, सबसे अहम बात ये सामने निकल के आ रही है कि जिस तरह से सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है, जो माहौल बनाया जा रहा है देश में, कहीं ना कहीं ये अंग्रेजों के समय की याद दिला रहा है, जिस तरह से अंग्रेजों ने जो नीति अपनाई थी कि जो लोग हैं उनको आपस में भिड़ा दो और राज करो, कहीं ना कहीं वैसी परिस्थिति देखने को मिल रही है, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, बहुत बड़ी कोई साजिश हो रही है, जिस तरीके से हमारे देश के कई राज्यों में एक साथ इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, और हमें इसको समझना होगा बिना झिकझिक किए, बिना तकरार किए, चाहे वो किसी भी दल का हो, है तो देश का, किसी भी दल का प्रवक्ता हो, मैं समझता हूँ कि झिकझिक करने से अच्छा उसके निष्कर्ष के लिए अगर हम लोग बात करें तो बहुत अच्छा होगा। देखिए एक इतिहास में थोड़ी देर के लिए हम लोग जाते हैं,
और देखते हैं कि दिल्ली सबसे शांत और सांप्रदायिक दंगों से दूर रहा है। हम थोड़ी देर के लिए अपवाद स्वरूप सिख दंगों को भूल जाए, सिख दंगों को भूल जाए तो दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, इतिहास में जाइए। उत्तर प्रदेश क्या रहा है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे रहे और इतिहास बताता है कि आग में झुकता रहा सांप्रदायिक दंगों में। आज इसके विपरीत है, आज इसके विपरीत यह है कि प्रदेश देश के कई राज्यों में तमाम इस तरह की खबरें आ रही हैं और उत्तर प्रदेश शांत है और सुकून है, शांति है। दिल्ली में इस तरह की घटनाएं लगातार सांप्रदायिक दंगों की कई बार ऐसा हुआ। एनआरसी और सीए को लेकर प्रदर्शन चल रहे थे, वो प्रदर्शन उग्रता की तरफ बढ़ा और वो बाद में हिंदू मुस्लिम राइट्स और हिंदू मुस्लिम टकराव की स्थिति में बन गया। इस कटु सत्य को दोहराना पड़ेगा और जब वो बढ़ गया तो बड़ी साजिश थी उत्तर प्रदेश को आग में झोंकने की। और वो उग्र प्रदर्शन या उसको जो भी कहिए, मैं प्रदर्शन के खिलाफ कतई नहीं हूं, ये लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन एक प्रदर्शन सांप्रदायिकता की तरफ बढ़ता चला जा रहा था और लक्ष्य था कि उत्तर प्रदेश में इसको फैलाया जाए। दिल्ली में भी वो आगे बढ़ा, दिल्ली में दंगे हुए और दर्जनों लोग मर गए, दर्जनों लोग मर गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में काबू कर लिया गया। उत्तर प्रदेश में काबू, जो हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के बैठे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए सख्ती बहुत जरूरी है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो सख्ती की, उनकी नियत ये नहीं थी कि किसी की संपत्ति बेच दो या किसी का घर तोड़ दो। अगर हम इस तरह का एक आदमी के साथ एक्शन करते हैं गलत काम करने वालों का, तो हजारों इस तरह की नियत रखने वाले अराजक तत्व जो है डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और किनारे बैठ जाते हैं कि अगर हम कोई हरकत करेंगे तो हमारे खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई होगी। तो मैं इस बात को बार बार दोहराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को एक मॉडल मान लीजिए, एक सुरक्षा का मॉडल मान लीजिए। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार से लेकर अन्य सूबों की सरकारों को इसको मानना चाहिए है और सख्ती से निपट में सख्ती से निपटने के बाद ही यूपी आज बचा हुआ है। मैं फिर यही कह रहा हूं, एनआरसी और सीए को लेकर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा लक्ष्य था और उसको थम गया, कोई नहीं मरा, कोई दंगा आगे नहीं बढ़ पाया जी। आप मुझे बताइए कि राम मंदिर का मुद्दा कितना पुराना था, पूरी दुनिया की निगाहें थी जी। उस मामले को लेकर दशकों तक कितने दंगे होते रहे, कितने लोग मर गए हमारे देश के, कितनी प्रगति और उन्नति रुकी। जब उसका फैसला आया तो उत्तर प्रदेश में परिंदा भी पर नहीं मार पाया जी। तो एक जो उत्तर प्रदेश है वो एक अच्छा उदाहरण पेश कर रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार में अगर कोई खूबी है तो उसको उसको जो बुरी बात है, जो गलत है, उसकी आलोचना करेंगे, खुल के करेंगे, चाहे योगी सरकार हो, चाहे भाजपा सरकार हो, चाहे केजरीवाल सरकार हो, लेकिन जो बात नजर आ रही है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान योगी सरकार से सिर्फ इसलिए खुश है कि यहां दंगा नहीं हुआ 5 साल तक। बिल्कुल। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि योगी सरकार सख्त है और जब दंगा होता है तो मुसलमान ज्यादा मारा जाता है क्योंकि उसकी संख्या कम है। जी अश्विनी जी, इस तरह का जो माहौल देश में देखने को मिल रहा है, अलग अलग हिस्सों से जो देखने को मिल रहा है, आखिर ये कब तक चलेगा? क्या ये पूरा जो माहौल चल रहा है, क्या ये अब सीधा 24 पे जाके रुकेगा? ये किसने कहा कि 24 पर जाकर रुकेगा? चुनाव तो हर साल कहीं ना कहीं होते हैं जी। तो इसका ही चुनाव थोड़े ही है, लेकिन अब आगामी सबसे बड़ा चुनाव वही है और जिस तरह से ये मुद्दा उठा है, सारे मुद्दे गायब हो गए हैं। तो इसका शिखा जी, इसका क्या मतलब लगाया जाए कि आपके सवाल का मैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ इशारा समझूं कि भारतीय जनता पार्टी ये करा रही है? तो रोकथाम के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है ये भी बताइए। रोकथाम के लिए देखिए, प्रशासन को अपना काम करने दीजिए, रोकथाम के लिए कदम ये उठाया जा रहा है जी। प्रशासन अपना काम कर रहा है, प्रशासन को काम करने दिया जाए जी। आरोप लगाकर भी भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी जहाँ रहती है उसके पहले हिंदुस्तान के दंगे आप अगर देखेंगे शिखा जी, जी। तो दिल दहल जाएगा। भागलपुर का अकपड़वा कांड देख लीजिए, हैदराबाद के दंगे देख लीजिए, मुरादाबाद के दंगे देख लीजिए। इन दंगों की जो वहशियाना हरकतें हुई थी उनको देखकर दिल दहल जाएगा, कलेजा फट जाएगा। आजकल के तो दंगे जो है मतलब आप ना, ये नाम मात्र के भाई गोली और बंदूक चल जा रही है, उस समय क्या दंगे होते थे। लेकिन क्या इसको हम चुनाव से जोड़कर देखें? ये क्या हमारा वो है चुनाव से? और उसको सीधा सीधा एक भारतीय जनता पार्टी चूंकि हिंदुओं के लिए थोड़ी सी एक बेहतर साफ कारण रखती है, ऐसा भी एक आरोप लगाना गलत है। हमारे लिए तो हो सकता है कि बीजेपी की छवि खराब करने के लिए अराजक तत्व ये कर रहे हैं। शिखा जी थोड़ा पूरा कर लूं मैं जी।
उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोग हो या देश के 140 करोड़ लोग हो, जी हम लोग सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर चलते हैं जी। और अगर हम बेहतर व्यवस्था कर रहे हैं तो उपद्रवी जो है, जो विरोधी है, वो कोशिश करेंगे कि ये सरकारों को उखाड़ फेंका जाए। मध्य प्रदेश में दंगा क्यों हुआ? मध्य प्रदेश में इसलिए दंगा हुआ कि शिवराज सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही थी, वहां भी अस्थिरता फैलानी है। तो इसको आप दूसरे तरीके से भी देख कर चल सकती है। आपने आपके कहने का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी, अगर मतलब निकाला जाए तो ऐसा नहीं है। ये कुछ मैं पूरे मुस्लिम बिरादरी को मैं दोषी नहीं मानता हूँ, लेकिन वहां जो अराजक है वो दोषी है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अभी देखिए ये 14-15 जो गिरफ्तार किए गए हैं दिल्ली में, ये क्या थे? सारे के सारे मुस्लिम थे। क्यों? वहां पर किया गया, पुलिस वाले के हाथ में गोली लगी, एक पुलिस वाला जो एएसआई है वो घायल है, बाकी लोगों को पीछे से हमला किया गया है। तो सब प्रत्यक्षदर्शी जितने हैं, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, सब ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जा रहे थे लोग, कैसे घटना हुई है। जी बिल्कुल, सवालों के घेरे में तो बीजेपी आ ही रही है और कदम भी उठाना पड़ेगा ताकि अपनी छवि को बचाया जा सके। इमरान जी, जिस तरह से दिल्ली में केंद्र सरकार का भी रूल चल रहा है और राज्य सरकार का भी, तो इस तरह से अगर जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है तो दोनों लोग मिलके दिल्ली को और देश को आगे बढ़ाएंगे या यूं ही आरोप प्रत्यारोप करते हुए लड़ते रह जाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से हमारी पहल है कि दिल्ली की सम्मानित जनता को साथ में लेकर, केंद्र सरकार को साथ में लेकर, सभी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके नुमाइंदों को साथ में लेकर, सरकार को साथ में लेकर दिल्ली के माहौल को अच्छा बनाया जाए, दिल्ली को विकास के रास्ते पर आगे ले जाया जाए। जिस तरीके से दिल्ली पिछले 6-7 वर्षों में विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है, उसी तरीके से दिल्ली को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया जाए। निश्चित रूप से हमारी पहल यही होगी और ये तब हो पाएगा जब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जब कार्रवाई में किसी प्रकार का भेदभावपूर्ण रवैया नहीं अपनाया जाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि कार्रवाई होना जरूरी है, उन लोगों पे भी कार्रवाई होना जरूरी है जिन्होंने पत्थरबाजी की है, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होना जरूरी है जिन्होंने किसी धर्म विशेष के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है, अमर्यादित नारे लगाए हैं। जब तक आप एक तरफा कार्रवाई करेंगे, जब तक आप मामलों का राजनीतिकरण करेंगे, तब तक किसी भी मसले का हल नहीं निकाला जा सकता है। मेरी अपील यही है, विपक्षी जो हमारी वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी अपील है, कांग्रेस पार्टी के लोगों से भी अपील है कि सरकार के साथ मिलकर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विपक्षी पार्टियां, आम जनमानस, एडमिनिस्ट्रेशन, सारे लोग मिलकर दिल्ली के माहौल को शांत बनाने के लिए प्रयास करें और दिल्ली को हमेशा शांत बनाए रखें ताकि दिल्ली विकास के रास्ते पे आगे बढ़े, देश विकास के रास्ते पे आगे बढ़े। जी बिल्कुल, नावेद जी आपसे फाइनल कमेंट, जिस तरह से माहौल खराब करा जा रहा है देश का, तो क्या और कौन से कदम उठा के इसको रोका जा सकता है? कौन कौन से और मुद्दे जिन पे चर्चा करी जा सकती है और लोगों तक किस तरह से संदेश पहुंचाया जाए सौहार्द का? देखिए, जो मुझे लगता है कि निष्पक्ष कार्रवाई होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और एक मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, मैंने उत्तर प्रदेश की कई सरकारें देखी हैं, बसपा और सपा की सरकारों के दौरान, मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमेशा आपके घर के चिराग से ही आग लग जाती है घर में। और मेरा अनुभव है, मैंने बहुत करीब से देखा है, बसपा और सपा की सरकारों में होता क्या था कि कुछ धर्म और कुछ जाति विशेष के लोग जब सरकार होती थी इनकी, सपा या बसपा की, तो इतने उग्र हो जाते थे, इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते थे कि वो दूसरे लोगों के बीच में टकराव पैदा होते थे। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी लाख कोशिश के बाद भी यहाँ पर फिर से उभर नहीं पा रही है, सरकार में नहीं आ पा रही है। कहा जाता है कि जब इनकी सरकार होती है तो इनकी जात के या किसी विशेष धर्म के लोग बहुत उग्र हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं, दूसरे को हल्के में। यही भारतीय जनता पार्टी के साथ बुरा है, कुछ कट्टर संगठन है। और भाजपा को अगर अपने को खुद को बचाना है, अगर एक विश्वास को जिंदा रखना है, इस विजय रथ को जारी रखना है, तो उन अपने लोगों के ऊपर चाबुक चलाएं और बुलडोजर चलाएं जो मस्जिदों के ऊपर झंडे लेके जा रहे हैं। आप बताइए, मस्जिदों के ऊपर अगर आप झंडे लेके जा रहे हो तो अगर शांति से भी कोई जा रहा होगा तो वहां के आम नासमझ जाहिल जनता ये सोचे कि वो लोग आ रहे हैं, ये वही लोग तो नहीं है जो हमारी मस्जिद पर चढ़ के तोड़ देंगे और वो ईटा चला सकते हैं। बड़ा मनोविज्ञान है, इस बात को समझना पड़ेगा। और अपने लोगों पर, भारतीय जनता पार्टी को अपने उन संगठन के उग्र लोगों पर जो भाजपा का ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिनकी इस तरह की हरकतों से भाजपा का ही आने वाले समय में नुकसान हो सकता है, जैसा समाजवादी पार्टी का हुआ, जैसे बसपा का हुआ, और बाकी किसी भी समुदाय, ईटा बरसाने वाला अगर मुसलमान है उसको टांग देना चाहिए, उसकी खाल खींच देना चाहिए, उसको सख्त से सख्त सजा देना चाहिए। लेकिन भाजपा को इस ओर देखना चाहिए, उस मनोविज्ञान को देखना चाहिए कि हमारे समर्थक
और हमारी विचारधारा से मिलते हुए लोग जो हैं वो इतने ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए हैं कि वो अपने को शहंशाह समझने लगे हैं, लोकतंत्र को भूल गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर को भूल गए हैं, और ये बात भी भूल गए हैं कि हमारी इस हरकत से हमारी पार्टी का ही नुकसान होगा। चंद ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ, जिस तरह योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक तथाकथित साधु की किसी संत को जेल में डाल दिया, उस तरह के लोग जो झंडे तो यूपी मॉडल अपनाने की जरूरत है और सख्त कार्रवाई हर एक अपराधी के ऊपर करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अश्विनी शाही जी हमारे साथ बीजेपी से, इमरान लतीफ जी आम आदमी पार्टी से, और नावेद शिको जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ आज इस अहम मुद्दे में जुड़े थे। अपने अपने पक्ष रखे सभी ने और साथ ही साथ एक संदेश भी दिया है कि जनता के बीच सौहार्द बना रहना चाहिए। जो एक यूपी मॉडल है, जिस तरह से कानून व्यवस्था यहां पे बनी हुई है, अपराधियों में खौफ बना हुआ है, कहीं ना कहीं देश में भी यह संदेश जाना चाहिए, इसी मॉडल को अपनाना चाहिए, ताकि जो अपराधी हैं अपराध करने से पहले, जो शांति उसको भंग करने से पहले 100 बार सोचे। फिलहाल आज की वीकेंड चर्चा में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।